नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की, हमारा अतीत 3 के बारे में। याद रखिए, इसमें आपकी दो बॉक्स हैं, तो इसमें हम लोग भाग एक देख रहे हैं इसका, हमारा अतीत 3 का भाग एक। ठीक है, इसमें आपके अभी तक हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ये आपका चौथा चैप्टर है। इसमें बात करेंगे आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बड़े धैर्य के साथ, और एक कहानी की तरह से पढ़िए और निकल जाइए। बड़े धैर्य पढ़ अगर धैर्य रखकर पढ़ते हैं तो आराम से आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा। दीकुओं को दीकू कौन होते हैं? बाहरी लोग। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याओं में दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी जैसे संथाल और राव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। देखिए इस चित्र को, यह है आपका उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। देख लीजिए, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना दिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जातिवाद आधारित समाजों में दिखाई देते। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते हैं थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, घूम घूम कर खेती करने वाले को तो क्या कहते हैं? घुमंतू खेती। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद भी घास फूस के जलने पर पैदा हुए राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन के ऊपर ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती बनी रहती थी।
घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदाय की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। परती परती भूमि किसे कहते हैं? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसमें मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, यह परती। साल साल एक आपका पेड़ होता है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ उसे ही कहते हैं, आपने अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं या आपने देखा होगा महुआ का पेड़ होता है, उसमें फूल लगते हैं, फिर उसके बाद फूल गिरते हैं, उसके बाद एक फल लगते हैं, फल टाइप के, फलों से तेल भी निकलता है, फूल से महुआ की शराब। गांव में एक वो है महुआ माता भी बोलते हैं शराब को। कबूतर होते हैं ना, एक कबूतर एक जाति होती है, वो शराब का इस तरह की शराब बनाते हैं। ठीक है, डोंगरिया कंधे कंध कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करते ला रही हैं। इस पत्तियों से पतलें बनाई जाएंगी। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए भी बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमतें वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे, भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। लिहाजा भी महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। देखिए ये मैप है भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके। उत्तरी भारत में बेंटिया हो गया, गट्टी, बनगुज्जर, ये आपका सहारिया हो गया, राजस्थान, भील, गुजरात के पास गुजरस, राठवा, बंजारा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बेगास, बंजारा, गोंड हो गया, ठीक है, संथाल, मुंडा, उराव, उत्तरी पूर्वी भारत में आपका हंजो, खासी, नागा, अपाटनी निसी, न्यांग, मुंडा, उराव, संथाल देख लिया, बेगास, मारिया, गोंड, पराजा, बांडा, कंडा, कोया, सवा, खोंड, कोया, बंजारा, गोंड, माला, इरुमल, ठीक है, ये कुछ जातियां, जारवाज,
कुछ जानवर पालते थे, कुछ क्या करते थे, कुछ आदिवासी आपके जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहा थे जो मौसम के हिसाब में मवेशियों तथा भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे घूम दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय घास गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में। शिकार का वक्त, बुराई का वक्त, नए खेतों में जान का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बेगा ओखोंड समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे हुए कुछ ठूंठों को काटने के लिए जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू हो जा होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागौ, इमली, मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीच इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदिवासी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी, शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुंवार में फलियां आने लगती थी, कार्तिक कुटकी में पक जाती थी, अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए विवर की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। बैरियल एलविन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एलविन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द कॉन्ट्स बैरियल एलविन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित ईंधन की लकड़ी ले जाती हुई संथाल लड़की बिहार में 1946। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते थे। बेवर मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या है? बे वर्ड। याद रखिए, पता है आपको, मैं जब एक हॉस्टल में था तो मैंने देखा कि कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम बन रहा है। तो वहाँ जो बावर्ची था तो वो मशरूम बना रहा है, तो मैंने उस शाम का खाना नहीं खाया, मुझे लगा कुकुरमुत्ता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी खेती होती है, उसे ही मशरूम बोलते हैं। तो आप भी इसमें गलत फहमी में मत रहें, फिर खाना ना खाएं। मशरूम अलग है, वैसे है कुकुरमुत्ता की जैसे, लेकिन इसकी भी खेती होती है और बड़े फायदे की खेती है। अब बचता है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे इनमें आदिवासियों में। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय
साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे, बेहलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुन्नाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुल लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक समूह ठहर कर एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों की जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। आगे बात करते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव क्या थे। देखिए दिख रहा है चित्र। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों का एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब एक घर बना जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। बात करते हैं आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी जो वहां यहाँ वहां भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू किए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना हुआ। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। देखिए चित्र। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्र में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ है क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने का दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दी गई। बात करते हैं वन कानून और उनके प्रभाव क्या रहे। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों पर भी
भारी असर पड़ा। इस चित्र को भी देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों वो जंगलों की में धान की खेती बीज फाग देते हैं। इस तरह अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, वो जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने, लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए? औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के टुकड़े, छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट, बाशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजबूर दूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। स्लीपर लकड़ी के क्षेत्र तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती, यही स्लीपर होते थे। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में बेरियल एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला, लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात का पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरी तौर से गुजर रहे हैं, अंग्रेजों के इस दौर देश में जीना कितना मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते गाय तो भैंस बेचते जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। बेरियल एल्विन एवं साम रॉयर हिवाले सॉन्ग्स ऑफ द मिकिल फेस्ट का 316 से उद्धृत लिया गया। ठीक है, बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध भी किया। उन्होंने नए नियम का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैरकानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। गोदारा औरतें बुनाई करते हुए, देखिए बात करते हैं व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की एक स्थिति को देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे से जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। समझिए, इसीलिए इसी तरह नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया भारत को, कितनी खासियत थी अपने भारत की, लेकिन ज्यादा दिन तक ये टिक्की नहीं रह सकी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर्जे देते थे
और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1,000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गाया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। देखिए, चटाई बुनती एक हाजांग औरत, औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ निकल जाती थी। देखिए झांसी की रानी की तरह किस तरह अपने बच्चे को बांधे हुए हैं, इसी तरह तो झांसी की रानी बांधे हुए हैं। चित्रदस, बिहार में के कोयला खनिज। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। अंधेरी और दमघुट्टू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था, बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2,000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बगान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चार बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। अगर आपके क्षेत्र में आप लोगों ने अगर देखा हो नजदीक से आदिवासियों को, तो कुछ शब्द लिखिए, कुछ खासियत तो उनकी बताइए कि कैसा उनका जीवनचर्या रहता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग उनके बारे में जानते हैं। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों में ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का आपका विद्रोह था। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुआ मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखे। बिरसा के समुदाय के लोग इसे स्वर्णिम की बात किया करते थे, जब मुंडा लोग दीपुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने को का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा एक जाने माने वैष्णव धर्म विचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासियों, आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था।
उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, पर उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्णिम सदयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें, अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू गोस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यहाँ कुछ आपका पॉइंट दिया है मेरे लिए, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोहलू के बैल की तरह है मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूध दिन रात करते हैं मुझे परेशान, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत। नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ये आपका K.S. सिंह बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट की बेस्ट 12 से लिया गया है। ठीक है, आपका गीत वैष्णव। विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते थे। जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उन्हें क्या कहते थे? वैष्णव। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनके परंपरागत भू व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू गोस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने हुए गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों भाषा का इस्तेमाल किया। बयान करने लगे थे कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावण रावणों यानी कि दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले के लिए महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद डंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सफेद डंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला आपका, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा था, इसने एक बार फिर जाता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संगठनों के प्रति के जरिए इस काम को अंजाम दिया। अन्य, हमें नकदी की क्या जरूरत। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रया बाजारों के लिए पैदा बार नहीं करना चाहते थे। पपुआ न्यू गिनी के जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहां के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते थे। कहते हैं कि नकदी है, कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें इन सरकारी मठाधीशों के लिए। क्या मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर, तो ये नकदी फसलें अच्छी हैं, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूं क्यों। ठीक है, ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें लगा सकते हैं आप लोग। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ डली हुई है।
टेलीग्राम पर आपके, रख लीजिए उसे, रखी रहेगी अपने पास, क्योंकि लाइन से सभी PDF उपलब्ध होती जा रही हैं, जो आपकी बुक्स खत्म होती जा रही हैं, कक्षा 6वीं कक्षा 7वीं की सभी बुक्स आपकी वहीं डली हुई हैं। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय 4। अध्याय 5 में बात करेंगे हम लोग जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद।